माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, भाई रविशंकर प्रसाद जी, हमारे मित्र और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, माननीय राज्यसभा के सांसद भाई संजय झा जी, भाई शहनवाज जी, माननीय जगन्नाथ ठाकुर जी जो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई चंद्रिका राय जी, हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ विधायक पूर्व विधायक भाई विनय सिंह जी, भाई ज्ञानचंद मांझी जी, भाई हेम नारायण शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित अल्ताफ राजू जी, अशोक कुशवाहा जी, भाई दीपक जी, हमारे साथ बैद्यनाथ प्रसाद विकल जी, भाई शत्रुघ्न भक्त जी, विवेक सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, सत्येंद्र भाई, राकेश भाई, रामाकांत जी, संध्या जी, तारा देवी जी, अनु सिंह जी, मीना अरुण जी, और हमारे मंच पर बैठे अगर किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा चाहूंगा। और मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें आपको रखूंगा, क्योंकि अभी आपका जो कार्यक्रम है, अभी 43 से 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी है और इसमें लाखों की संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं। मुझे लगता है इस बात का तो सबसे पहले एहसान शायद मैं ना चुका पाऊँ कि इस भीषण गर्मी में भी आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम को, जिसको मीडिया आजकल हॉट सीट कह रही है, जो मीडिया इसको हॉट सीट कह रही है, आज करोड़ों लोग भारत में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने पर, आज के व्यवस्था पर, आज करोड़ों लोग आपकी बातों को यहां से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और कुछ लोग यहां इसलिए आए हैं कि अपने नेता को सुनना चाहते हैं, और कुछ लोग यहां इसलिए आए हैं हमारे पत्रकार मित्र कि राजीव प्रताप रूडी कोई चूक कर जाए, सम्राट चौधरी से कोई चूक हो जाए तो भारत का क्या समाचार बनता है। कुछ मित्र इसके लिए भी आए होंगे, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि ना हमसे और ना सम्राट चौधरी जी से, ना मंच पर बैठे हमारे महाचंद्र बाबू से, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों से कोई चूक नहीं होती है, क्योंकि हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में किसी को बेवकूफ नहीं कहते हैं। हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में ये नहीं कहते हैं कि कोई पड़ोसी का जन्मा हुआ बच्चा तो नहीं है, हम लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। और हमारे सम्राट चौधरी जी हमारे चौधरी ही हैं, और चौधरी कभी इस प्रकार की बातें नहीं करता, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, आप पत्रकार लोग कभी कभी खलनायक की भूमिका में चले जाते हैं, और इस भीषण गर्मी में जिसको आदत नहीं हो 42-43 डिग्री में घूमने का, और जो खुद गाड़ी के बाहर झांक रहा हो और उनके विधायक एसी में बैठे हो, तो और उस पर आपका जबरदस्त सवाल हो जाए तो गुस्सा तो आ ही जाता है, और गुस्सा ऐसा आता है कि जुबान पर कुछ भी निकल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सबको माफी करते हैं, क्योंकि हमारा संस्कार ही कुछ और है। और आज जब हम यहां पर खड़े होकर यह विषय को रख रहे हैं, तो इसी मंच पर अभी से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले एक राष्ट्रीय जनता दल के पोप ने कहा कि संविधान पर खतरा है। हमको तो यह समझ में नहीं आने अभी तक कि संविधान को भाई खतरा कहां से आ गया। संविधान को तो सबसे बड़ा खतरा तब था जब एक राज्य का मुख्यमंत्री चारा घोटाले में जेल चला गया, संविधान को तो उसी समय सबसे बड़ा खतरा था। संविधान को उस समय खतरा था जब आप जेल जाते हैं और अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो संविधान को उस समय खतरा था। संविधान पर तो खतरा तब था, और अब आप बार बार कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो हम बता दे अब क्या कीजिएगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो पढ़ाई लिखाई करती ही नहीं है,
और ना ही पढ़ाई लिखाई से लेना देना है। भारत का संविधान आजादी के बाद से लेकर अभी तक 128 बार संशोधित हो चुका है, और उनको ये बात पता ही नहीं है कि संविधान बदल जाएगा। संविधान नहीं बदल जाएगा, बिहार का विधान बदल गया है, और बिहार में 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाला है। यही विधान बदला है और कुछ विधान बदलने वाला नहीं। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत तो है ही है। अब एक पार्टी का नाम है, हमारा तो है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे पास है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हमारी पार्टी का नाम भारतीय है, और हमारा मैनिफेस्टो भी राष्ट्रीय है, और हमारे पास प्रधानमंत्री भी है। एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, उसका बिहार में एक भी सांसद नहीं है, वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकता है। और उतना ही नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करती है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि इस पार्टी के लोगों को हो क्या गया है, जिसका अस्तित्व क्षेत्र का नहीं है वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी कर रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का और उस प्रत्याशी का आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मित्रों, मुझे कई बार बड़ा दुख होता है, अब लोग अपने परिवार के लोगों को टिकट दे देते हैं, अब परिवार के लोगों को टिकट देते हैं तो बाल बच्चा ये कहता है कि भाई अब टिकट दे ले बड़ा तो अब जिताबा भी। अब बताइए, लालू जी आज तक 30 साल में कभी छपड़ा में कैंप नहीं किए थे, अब आप मतदाताओं ने क्या कर दिया है कि बाल बच्चा के मोह में ये भरी दोपहरिया में इस गर्मी में वो छपड़ा कैंप कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है भाई, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता, और बाल बच्चा के मोह माया ने इस भरी दोपहरिया में पटना के एयर कंडीशनिंग रूम से निकाल करके उनको छपड़ा में बैठा दिया है। हम तो बड़ा चिंतित हैं पत्रकार भाई लोग, उनके तबीयत को लेकर बड़ा चिंतित हैं। बाल बच्चा सबका व्यवहार ठीक नहीं है, एक बार तो टिकट भी मांग लीजिएगा और उसके बाद कहिएगा कि हमको जिताओ भी। जिताती तो जनता है, ईश्वर की कृपा होती है और जनता जिताती है, कोई नेता आकर के किसी को नहीं जिता सकता है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि या तो हमको जनता जिताएगी और ईश्वर का कृपा होगा, तो जब से हम लोग भगवान राम को अपने घर में बैठा दिए हैं तो ईश्वर का कृपा किसको मिलेगा वो पूरा भारत भी जानता है, इसलिए उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भगवान को भी हम लोग। लेकिन चलिए, कम से कम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ये कमाल है, कम से कम राजीव प्रताप रूडी का कमाल है कि छपड़ा में 24 घंटा बिजली रहता है, कम से कम लालू प्रसाद जी को आराम करने में उनका एसी नहीं कटेगा, इतना भर हम लोगों ने व्यवस्था कर दी, आराम से रहिए। जनता तय कर चुकी है, जनता को एकदम पता है कि इस बार, क्योंकि एक बात याद रखिएगा सम्राट जी, आपको भी याद रखना होगा, और छपड़ा का सीट पत्रकार हॉट सीट करते हैं तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब हम लोग छपड़ा जीतते हैं तो पूरा बिहार जीतते हैं, और जब बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं, ये यहाँ का इतिहास है। तो इस बार माननीय विजय सिन्हा जी हमारे बीच में आ गए हैं, माननीय उनका भी ताली से स्वागत कर दीजिए आप लोग। तो इस बार भी मोटे तौर से तय है कि देश में अब की बार 400 पार। तो जब हम लोग छपड़ा जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं, और बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं, और फिर से नरेंद्र मोदी को हम लोग फिर से प्रधानमंत्री। अब कई बार सिद्धांत की बात होती है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 20 साल रहे हैं और अभी भी हैं, और पूरा राजनीतिक जीवन हम लोगों के अखबारों में, टेलीविजन पर, स्टूडियो में बैठने पर बीत जाता था, चाहे हम लोग राम जन्मभूमि की बात करते थे, चाहे ट्रिपल तलाक की बात करते थे, चाहे धारा 370 हराने की बात करते थे। एक बार बहुमत की सरकार देश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के हाथों में आया और हम लोगों ने भगवान राम को अयोध्या में घर भी पहुंचाया, प्रार्थना भी शुरू करवा दी, धारा 370 भी खत्म करवाया, और ट्रिपल तलाक जो भाई हमारे अल्पसंख्यकों के घर में
जो जिस तरह से जल्लादी व्यवहार होता था उसको भी समाप्त करा दिया। और जब जब हम लोगों के पास सत्ता आता है तो सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री देश के आने वाली पीढ़ियों को इन सभी संकटों से वंचित करते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के क्रम में हम कदम आगे बढ़ा लेते हैं। मित्रों, कितना बड़ा धोखा करते हैं ये लोग। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है, और जयप्रकाश के अनुयायी होने का दावा करने वाला, जयप्रकाश के अनुयायी कहते हैं अपने आप को। 77 में छपड़ा की जनता ने जयप्रकाश के उस अनुयायी को यहां से सांसद बना के भेजा। वही कर्पूरी ठाकुर, वही जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की धरती तो सिताब दिया रहा है, और 40 साल 50 साल हो गया, तीन तीन बार वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। और अगर राजीव प्रताप रूडी, नीतीश कुमार और योगी जी उत्तर प्रदेश में नहीं होते तो सिताब दियारा कट करके सरजू में विलीन हो चुका होता। यही किया है उन्होंने पिछले 40 वर्षों में। आज अगर सिताब दियारा को बांध बना करके योगी जी की सरकार और नीतीश कुमार और राजीव प्रताप रूडी ने 150 करोड़ रुपए का बांध बना करके जिंदा किया है तो वो राजीव प्रताप रूडी जी का प्रयास था। आज अगर 70 साल के बाद सिताब दियारा में जयप्रकाश जी के धरती पर पहली बार पावर सबस्टेशन बोर्ड बन रहा है तो वो नीतीश कुमार और राजीव प्रताप रूडी और देश के प्रधानमंत्री का देन है। क्या बातें करते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं। लोग कहता है कैसे करोड़पति बनाया जाता है, तो हम लोग चारा घोटाला करके करोड़पति नहीं बनाते। हम लोग अपनी मेहनत से, योजनाओं से लोगों को करोड़पति बनाते हैं। और आज अगर बिहार में अगर सबसे ज्यादा पुल का निर्माण हो रहा है, सबसे ज्यादा रोड का निर्माण हो रहा है, सबसे ज्यादा बाईपास का निर्माण हो रहा है, तो पता लगा लीजिए दिघवारा में जहां 10,000 रुपये कट्ठा जमीन नहीं बिकता था, आज 10 करोड़ रुपया में भी जमीन खरीदना कठिन है। आज पता लगा लीजिए सोनपुर में जहां 10 लाख रुपये कट्ठा जमीन नहीं बिकता था, आज 5 से 10 करोड़ रुपये कट्ठा जमीन बिक रहा है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है सम्राट चौधरी, ये है विजय सिन्हा, ये है देश के प्रधानमंत्री। कैसे करोड़पति बनाया जाता है लोगों को, उसका फॉर्मूला राजीव प्रताप रूडी जानता है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए। अभी हमने पत्रकारों को कहा कि भाई, किसी ने बार बार, ये पत्रकार मुझसे पूछते हैं, बताइए आपको क्या कहना है, आपको खतरा किससे है। हम बोले किससे खतरा है, तो फलाना कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा है। तो मैं आज बड़ा सनसनीखेज समाचार देने वाला हूं आप लोगों को। अब यह दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बड़े बेचारे दुखी हैं कि उनको सिंगापुर जाना और अंतरिक्ष में जाना दोनों बराबरे है। अब अगर हम अपने कैंडिडेट को जिताते हैं तो या तो अंतरिक्ष में जाना होगा रोहिणी, और नहीं तो फिर सिंगापुर जाना होगा। तो राजनीति में सबसे बड़ा विषय बनता है कि आपका पता क्या है। तो भाई, राजीव प्रताप रूडी का 38-40 साल से एक ही पता है, मेरा गांव अमनौर है, मेरा पंचायत अमनौर हर नारायण है, मेरा प्रखंड अमनौर है, मेरा थाना अमनौर है, मेरा अनुमंडल मढ़ौड़ा है, मेरा जिला सारण है। आपका पता क्या है भाई, आपका पता क्या है, आपका पता छपड़ा का है क्या? तो आज मैं आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। आप कहते हैं कि छपड़ा की बेटी है, चंद्रिका जी यहां बैठे हुए हैं, बेटी तो आपकी छपड़ा की है ना, जिसके साथ आपने जो व्यवहार किया। हमें दुख होता है विषय छेड़ने में, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता है। आप पूछना चाहते हैं, अभी नामांकन हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट का नामांकन हुआ है, वेबसाइट पर यह कागज है, इनका पता क्या है जो अपने आप को छपड़ा की बेटी कहते हैं, जो अपने आप को छपड़ा के संतान कहते हैं, उनका चुनावी पता क्या है भाई? किसी ने देखा है उठा करके? उनका चुनावी पता है,
और आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता सड़क पर अपने घर के बेटी और अपने घर के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग सकेगा, क्योंकि उनका पता है आचार्य रोहिणी ऑफ समरेश सिंह एजेड यस फलाना फलाना रोहिणी आचार्य 181 दिग्घा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार सीरियल नंबर, तो एमएलए कॉलोनी का पता है और रहती हैं पटना में और कहती हैं कि छपड़ा की धरती की बेटी है। क्षमा कीजिए, हम कभी नहीं बोलना चाहते, लेकिन लगातार सम्राट चौधरी पर प्रहार, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार, लगातार राजीव प्रताप रूडी पर प्रहार, इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और हमारे पार्टी के और हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि जो यहाँ का रहने वाला नहीं है उसका छपड़ा के जनता पर और छपड़ा के धरती पर मत मांगने का कोई अधिकार नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग कभी नहीं बोलना चाहते हैं किसी कैंडिडेट के बारे में, लेकिन इतना बार मेरा नाम लिया जाता है कि मेरी मजबूरी है, उनके भाई साहब भी यहां आए और कुछ कह के चले गए। हम लेकिन फिर दोहराना चाहेंगे कि हम लोगों का संस्कार नहीं है। अरे ये लड़ाई तो कैंडिडेट से कहां है, किसी की बेटी अच्छी होती है, किसी की बेटी भी, किसी के बेटी पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी का सरकार, अरे वो तो मुखौटा है साहब, अंग्रेजी में अगर कहें तो वो कवर अप, पता नहीं अंग्रेजी का शब्द, आजकल हम अंग्रेजी भी भूल गए हैं, नहीं तो कोई कहेगा कि अंग्रेजी भी बोलना नहीं आता है इनको, वो तो मुखौटा है, वो तो मुखौटा है साहब। असली लड़ाई तो लालू प्रसाद यादव जी के उस खौफनाक चेहरे से छपड़ा में है जिससे सारण की जनता लड़ रही है। इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह लड़ाई सीधे तौर से लालू प्रसाद यादव जी से है, सीधे तौर से राष्ट्रीय जनता दल से है, सीधे तौर से राहुल गांधी से है, और हमारा लक्ष्य तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का है, इसलिए बीच में किसी का कोई गुंजाइश नहीं। तो यह है उनका पता और यह है उनका व्यवसाय। कोई कहता है कि मेरा, हमने प्रत्यारोपण किया, हमने किडनी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। और किसी ने इस मंच पर आके कहा कि हम ओ पॉजिटिव हैं, तो भाई हम बी पॉजिटिव हैं, तो आपके खून में अगर ओ पॉजिटिव है, हम अगर बी पॉजिटिव हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई कि हम ओ पॉजिटिव हैं इसलिए हमको वोट दे दीजिए। अरे भाई कोई तर्क तो होगा, आप लोग में से किसी को समझ में आया जब एक राज्य के विजय बाबू, एक राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं, यहां कह के मैं ओ पॉजिटिव हूं, भैया उतर डॉक्टर ना देखेगा कि आप ओ पॉजिटिव हैं कि ए पॉजिटिव हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जब किडनी का प्रत्यारोपण होता है तो सबसे बढ़िया जो है परिवार का ही कोई सदस्य दे तो सबसे अच्छा माना जाता है, डॉक्टरों का सुझाव है। और परिवार होता क्यों है, सम्राट चौधरी का परिवार, मुनेश्वर चौधरी का परिवार, चंद्रिका जी का परिवार, अल्ताफ राजू का परिवार, परिवार तो इसी दिन के लिए होता है ना कि जब परिवार पर संकट आए तो कोई सीना भी निकाल के दे दे, कोई जान भी निकाल दे, परिवार का मतलब तो भारत में यही ना होता है। तो आपका परिवार और मेरा परिवार, तो उसमें वोट कहां से चलाया भाई, कुछ का कुछ बोल करके लोग वोट मांगने लगे हैं। और उसी में एक हमारे मित्र यहां पर जो आए थे, जो बिहार के थे, कहे कि हवा हवाई है। अरे भाई हवाई है और हवा में, तो ये बात तो सही है कि राजीव प्रताप रूडी दुनिया में अकेला सांसद है जो हवाई जहाज उड़ाता है, तो हवाई है तो उसमें सच के उसमें गलत क्या है भाई, जो सही बताए। और हवाई जहाज धरती पर थोड़े ना चलता है, हवा में चलता है, तो हवा हवाई तो हम है ही हैं, हम तो दुनिया के अकेले सांसद हैं, और हम तो जब भी उड़ते हैं 33,000 फीट पर तो सम्राट चौधरी जी का भी नाम लेते हैं, विजय सिन्हा जी का भी नाम लेते हैं, तो ऐसा सांसद किसको मिलेगा भाई। तो आपको बड़ा तकलीफ है, कहते हैं इसी स्टेज पर कह गए कि 5 स्टार है, हाँ भाई हम हैं। बिहार में और भारत में अगर सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे का नेटवर्क है तो राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र में है, बिहार में अगर पीडब्ल्यूडी का सबसे बड़ा नेटवर्क और सुंदर सड़क है तो छपड़ा में है,
बिहार में अगर ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा जाल कहीं है तो छपरा में है। बिहार में अगर सबसे ज्यादा पावर सबस्टेशन और बिजली 24 घंटा और बिना स्टेबलाइजर का बिजली कहीं है तो 5-स्टार बिजली छपरा में है। अगर पूरे भारतवर्ष में गंगा नदी पर अगर सबसे ज्यादा पुल बन रहा है और 5-स्टार पुल बन रहा है तो छपरा में है। तो अगर हमारा क्षेत्र 5-स्टार है, हमारे एनडीए का वर्कर 5-स्टार है, हमारे नेता 5-स्टार है, तो राजीव प्रताप रूडी प्रत्याशी 5-स्टार है तो आपको क्या तकलीफ है? हमारे कार्यकर्ता भी 5-स्टार है, हमारे नेता भी 5-स्टार है, हमारे प्रधानमंत्री भी 5-स्टार है, क्योंकि दुकान में जब आप एयर कंडीशन खरीदने जाते हैं, जब फ्रिज खरीदने जाते हैं, जब टोस्टर खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहता है ले लीजिए ये 5-स्टार रेटिंग है, तो जब सामान खरीदने में आप 5-स्टार रेटिंग खोजते हैं तो सांसद चुनने में आप 5-स्टार रेटिंग क्यों नहीं खोजिएगा, इस बात का जवाब दीजिए। कुछ का कुछ बोलता है लोग। हमको अंग्रेजी बोलना आता है तो आपको तकलीफ है, हमको भोजपुरी बोलना आता है तो आपको तकलीफ है, हमको हिंदी बोलने आता है तो आपको तकलीफ है, तो हमको भाई पूछ पकड़ के भैंस पर चढ़ना नहीं आता है तो हम क्या करें? जो नहीं आता है सो नहीं आता है, जो आता है सो आता है। अब आपका क्या संकट है? बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन जो हमको आता है उससे आपको बड़ा तकलीफ है। ऐसे कहीं पॉलिटिक्स होता है भाई? हम हवाई जहाज उड़ाते हैं तो उससे तकलीफ है, हम पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उससे तकलीफ है, हम सोशल मीडिया पर दिखते हैं तो उससे तकलीफ है, हम अच्छा पहनते हैं तो उससे तकलीफ है, हम गरीबों के बीच में जाते हैं तो उससे तकलीफ है, हम सतुआ पिलाते हैं तो उससे तकलीफ है, हम भात दाल चोखा खिलाते हैं तो उससे तकलीफ है। भाई आप कब हमसे खुश होइएगा? हमारे पार्टी के लोग तो हमसे खुश हैं भाई, हम इतना जानते हैं, विनय सिंह खुश हैं, बाकी सब लोग खुश हैं, वेद बाबा खुश हैं, अशोक सिंह खुश हैं, आप लोग खुश हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है कि उधर विरोध में कौन ना खुश है। जब तक आप लोग खुश हैं और आप लोग का आशीर्वाद मेरे सर पर है, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम 100 काम नहीं गिनाएंगे, हमारी बहनें कुछ कम संख्या में आई, हम 100 काम नहीं गिनाएंगे, हम एक काम गिना देते हैं आप लोगों को। हम बिजली को नहीं गिनाएंगे, सड़क को नहीं गिनाएंगे, पुल पुलिया को नहीं गिनाएंगे, सीएफ को नहीं, लेकिन हमको कहा कि 5 साल में विकास क्या किए हैं। तो विकल जी, हम विकल जी से 5 साल से नहीं भेंट किए हो तो बात समझ में आता है, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। तो विकल जी रहते हैं गांव में, सलीम परवेज जी रहते हैं गांव में, तो इनको तो पता है कि हम नहीं आते हैं। जो 5 दिन पहले छपरा आया हो उसको कैसे पता है कि हम 5 साल से नहीं रहते हैं? अजीब हालत है। 5 दिन पहले आए हुए, 8-10 दिन पहले हुआ आए हुए, और उनको सब खबर है कि छपरा में कौन रहता है नहीं रहता है। ये तो हालात है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं एक ही चीज, और आज कागज पर लिख लीजिए, राजीव प्रताप रूडी जो भी योजना लेके आता है कोई कल के लिए परसों के लिए नहीं, अगले 100 साल के लिए लेके आता है। और अगले 3 साल में अगर हर गांव में, हर गरीब के घर में, अगर भारत के इतिहास में, गांव देहात में, पूरे भारत में, हम छपरा और पटना की बात नहीं कर रहे, आप लोग लिख लीजिएगा, पूरे भारत में अगर पहला जिला होगा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा तो वो छपरा होगा, जहां 3 लाख घरों में पाइप से रसोई का गैस पहुंचने लगा है और पहुंच जाएगा, जो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर 800 करोड़ रुपए की लागत से मूड़ा में, कुदरबाधा में अगर हम लोग फिर से 400 केवीए का ग्रिड ला रहे हैं तो पटना में रहने वाले सम्राट भाई का भी बिजली अब छपरा से जाएगा और चंद्रिका जी के गांव से जाएगा, और हमारे अध्यक्ष जी बैठे थे और सब लोग बैठे हैं, आने वाले 100 साल के लिए जो योजना 800 करोड़ रुपए के स्वीकृत होकर टेंडर होने जा रहा है, आने वाले 100 साल तक सारण जिला में बिजली की कमी नहीं होगी। उसकी हम तो 100 साल आगे सोच रहे हैं। अभी संजय झा बोल के गए, माननीय संजय झा बोल रहे थे कि रूडी जी हवाई अड्डा के लिए लगे रहते हैं, हम तो अब सीनियर सिटीजन हो गए हैं ना भाई, लगते नहीं है, कोई कहता है लगते, हम तो सीनियर्स, हम तो आप लोगों ने इतना एहसान हम पर लाद दिया है कि अब हम चुका नहीं पा रहे हैं और आगे भी आप लादते चले जा रहे हैं। लेकिन अगले 100 साल के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, अगर दिल्ली के बगल में नोएडा है,
तो पटना के बगल में सोनपुर और छपड़ा है, हमारा नोएडा, छपड़ा और सोनपुर है, ये हमारा संकल्प। अरे सोचते तो हमें, अगर देश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगर बनेगा तो छपड़ा की धरती पर पड़ेगा। और मैं घुटने पर जाके अपने नेताओं से कहूंगा कि जो बात पूरा भारत के हवाई अड्डा को राजीव प्रताप रूडी ने बनवा दिया, आज बेंगलोर आप उतरते हैं, उस हवाई अड्डा का दस्तखत 2004 में राजीव प्रताप रूडी ने वाजपेयी जी के सामने किया था। अगर आप हैदराबाद उतरते हैं तो उस हवाई अड्डा को देखिएगा तो उसका 2004 में दस्तखत राजीव प्रताप रूडी ने किया था। अगर आप बंबई हवाई अड्डा पर उतरते हैं उसका दस्तखत राजीव प्रताप रूडी ने 2004 में किया था। आज दिल्ली हवाई अड्डा जो आप देख रहे हैं उसका दस्तखत राजीव प्रताप रूडी ने किया था। जब देश के एयरपोर्ट को बनाने की क्षमता रखता है तो राजीव प्रताप रूडी अपने सारण, अपने बिहार की धरती पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने की क्षमता। मैं तो घुटनों पर जाऊंगा और मैं लोगों से कह भी रहा हूं कि प्रस्ताव तैयार है, सरकार में बैठे हैं आप, कल तय कीजिए और परसों से धरती का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना के दिखा दिया जाएगा, जहां करोड़ों लोगों को अरबों रुपये की जमीन का भाव होगा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग कहते हैं कि रोजगार क्या दिए, आप सब लोग छपड़ा के धरती के रहने वाले हैं, कहा उन्होंने कि भाई हम बेला फैक्ट्री लगाए हैं, कहा उन्होंने कि हम जी फैक्ट्री लगा रहे, हाथ उठा करके एक आदमी बता दे, और सम्राट जी इसको पूछिएगा भी, चंद्रिका जी के घर के पीछे में बेला फैक्ट्री लगा है, हाथ उठा के बेला फैक्ट्री में एक भी छपड़ा के नौजवान का नियुक्ति अगर मुझे बता दे तो हम राजनीति से दूर होने का संकल्प ले लेंगे। एक आदमी का नौकरी हुआ हो, जी का फैक्ट्री मढ़ोड़ा में लगा, बैठे हैं यहां नागेंद्र राय और सभी का, वो बैठे हैं वहां पर पीछे में मनोज सिंह, आप मुझे जी फैक्ट्री में एक छपड़ा के नौजवान का नाम गिना दे और दिखा दे इसको नौकरी लगा हो। आप तो धोखा करते हैं, आप लोगों ने बिहार का पूरा जाल बंद कर दिया, आपने बढ़ोड़ा मॉटन फिल बंद करवा दिया, आपने बढ़ोड़ा चीनी मिल बंद करा दिया, जहां रोजगार मिलता था उसने बंद करा दिया, और जहां कुछ मिलता होगा वैसा चीज बनवा दिया जहां छपड़ा के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। कितना धोखा कीजिएगा, और उस धोखा से लड़ने के लिए हम लोग यहां आए हैं। मेरे सामने हमारे मित्र लोग बैठे हुए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना सच है कि हमने, हमारे लोगों ने जो हम पर आशीर्वाद दिया है और जिस प्रकार से मुखौटे से मुझे लड़ने पर मजबूर किया है, मेरे साथ सिग्रीवाल साहब बैठे हैं, अभी हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में भारत का सबसे विकसित राज्य बिहार बनेगा और उस विकसित राज्य में सबसे विकसित संसदीय क्षेत्र छपड़ा बनेगा, ये मेरा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। कोई एक बार सांसद बनता है तो वो पूरा जीवन काट लेता है, हम तो यहां से आठवां बार इस बार सांसद बन रहे हैं, 6 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में, और शायद चंद्रिका जी को छोड़ करके और महाचंद्र बाबू को छोड़ करके और मुनेश्वर बाबू को छोड़ के शायद बहुत कम लोग होंगे जिनका राजनीतिक सीनियरिटी हमसे ज्यादा होगा। हम तो 26 साल में अमनौर तरैया में से जहां जनक सिंह जी विधायक है बन गए, अब तो मेरे राजनीतिक जीवन का ये 40वां वर्ष है और छात्र राजनीति जोड़ दिया जाए तो 45वां वर्ष है। बहुत कम लोग इस राजनीति के अनुभव के साथ बिहार की धरती पर है। हम सब लोगों को बिहार संवारना है, ये लड़ाई यही नहीं समाप्त हो रही है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और मेरा संकल्प है विजय सिन्हा के नेतृत्व में, आने वाले दिनों में सिर्फ छपड़ा ही नहीं जीतना है, 1 साल के भीतर पूरा बिहार जीतना है, और यही एनडीए का संकल्प है। आज आप इतनी कड़े धूप में इतना बड़ा आपने सब कुछ, कुछ लोग चले गए, गर्मी था, माननीय राजनाथ सिंह जी को जाना था संजय, लेकिन आप सब लोग आए हैं, मैं आप लोगों का कभी एहसान चुका नहीं सकता, और आप लोगों ने राजीव प्रताप रूडी को 40 साल से जेल लिया है तो 5 साल और सही, क्योंकि हम तो आप जानते हैं कि मैं, और हम गांव में रहते हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, टेलीविजन चैनल पर जाते हैं, रहते गांव में हैं और इसीलिए गांव के दर्द को समझते हैं। उस आयुष्मान कार्ड जो बनवाने का, भारत में अगर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड घर घर में बंटवाने का काम किसी ने किया है,
देश के प्रधानमंत्री की उस बड़े योजना को सफल बनाने का काम किया है, तो छपरा की धरती पर सबसे बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड उन गरीबों के घर तक पहुंचा है। गांव गांव में अगर आग लगता है, दमकल की जरूरत होती है, तो सरकारी कंट्रोल रूम में फोन नहीं जाता है, राजीव प्रताप रूडी जी के घर कंट्रोल रूम में फोन जाता है और समय से पहले दमकल पहुंचता है। कहीं आग लगे तो दमकल पहुंचता है कंट्रोल रूम से। कोई नदी तालाब में डूब जाए तो सबसे पहले एनडीआरएफ भेजने की सूचना आती है कंट्रोल रूम में। कहीं लुधियाना के प्लेटफॉर्म पर किसी की मौत हो जाए तो उसके बॉडी को मंगाने की रिक्वेस्ट जाता है कंट्रोल रूम में। सऊदी अरेबिया में कोई जेल में बंद हो तो कंट्रोल रूम में फोन आता है। भारत में एक ऐसा संसदीय व्यवस्था हमने कायम की है कि सामान्य गांव में बिजली जलता है, गांव में बिजली गायब होता है, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदला जाता है। ये सच है सारण की धरती पर। और पिछले एक साल में मेरे कंट्रोल रूम में जो राजीव प्रताप रूडी के लिए फोन था, 291,365 फोन कॉल राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय ने अटेंड किया है। कौन कहता है कि हम यहां नहीं रहते। अभी हाल फिलहाल हम सोनपुर में थे, एक गांव के एक व्यक्ति मुझसे खड़ा होके, मैंने कहा कि भैया हम 5 साल पहले आते थे, तुम्हारे गांव में सड़क नहीं था, आज तुम्हारे हर कमरे में एसी लगा हुआ है, आज तुम्हारे गांव में 24 घंटा बिजली है, आज तुम्हारे घर में पाइपलाइन है। और या तो तय करो काम करने वाला नेता चाहिए या बात करने वाला नेता चाहिए। ये सारण की जनता को तय करना होगा कि आपको काम करने वाला नेता चाहिए कि बात बनाने वाला नेता चाहिए। दोनों में से एक फैसला आपको करना। और जो बात बनाने का राष्ट्रीय जनता दल की नीति है उसको डट करके जवाब देना होगा। और चुनाव सड़क पर नहीं है, चुनाव बूथ पर है। और मुझे विश्वास है कि एनडीए के कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस जीत को हासिल करेंगे। और हमारे नेतृत्व के प्रति आस्था रखते हुए सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री, और फिर मैं दोहराऊंगा कि जब जब हम छपड़ा जीतते हैं तो बिहार जीतते हैं, और बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं। इसलिए आप सबों ने संकल्प ले लिया है कि हम इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनाएंगे और राजीव प्रताप रूडी उस सरकार के उस संसद में बैठेगा। ऐसा मेरा आपसे विनती है, अनुरोध है। नामांकन में सब कार्यकर्ता आए हैं, आप सबका विशेष रूप से इस गर्म मौसम में आपके आने के लिए आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। अब की बार हाथ उठा के, अब की बार फिर एक बार, अब की बार जोर से तनी, अब की बार 400 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी। अब मैं सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि